बाबा प्रेमनाथ जी शिव मंदिर पुरानी दाना मंडी जगराओं में जिहड़ा कि लगभग 336 साल पुराना मंदिर है, जिथे बाबा प्रेमनाथ जी की 20वीं बरसी हर साल की तरह जो कि 6 जनवरी बड़ी श्रद्धा और धूमधाम मनाई जाती है। हर बार बाबा जी की याद में अटुट भंडारे और लंगर चलते हैं। इस साल भी हर साल की तरह यह बरसी धूमधाम मनाई गई। हिंदुस्तान के कोने कोने तो संत महात्मा इस बस्ती विच पहुंचे। हजारों की गिनती विच साधुओं ने लंगर छकिया अते बाबा जी की समाधि से मत्था टेकिया। बाबा प्रेमनाथ जी की गद्दी उपर विराजमान महंत बाबा रामनाथ जी ने दसिया कि वह दानी पुरशां दे सहयोग नाल अटुट लंगर अते भंडारे का इंतजाम करते हैं। उन्होंने दसिया कि दूर दुराडे तो आए साधु संतां नूं भोजन कराने के नाल नाल दान दक्षिणा भी दी जाती है। ये जो है बाबा जी जब 20वीं बरसी है और जो है ये पुरानी दाना मंडी जगराओं के अंदर स्थित है। बाबा जी बहुत सिद्ध हुए और ये मंदिर जो है 336 साल हो गया। ये मंदिर में जो भी 41 दिन जल चढ़ाता है उसका हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। और महामाई के खंड जो है जो भी महामाई के 31 दिन जो भी चौकी भरती उसका हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। भाभी आज के भंडारे के बारे में और जो साधु बनाए उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज के भंडारे में जो सब नगर वासियों के सहयोग से हर साल जो है से धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल भी सब नगरवासी साधु संतों के सहयोग से सबका आशीर्वाद से बहुत धूमधाम से बच्ची मनाई जाता है, आगे भी मनाई जाए। आज बाबा प्रेमनाथ जी की पावन वर्षी पर जो भी शहर का प्रत्येक व्यक्ति आया है आज इस मंदिर में प्रांगण में उनकी तपस्थली है, आज उनका भरपूर आशीर्वाद ग्रहण करेगा और आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद सुखानुभूति करेगा, क्योंकि महापुरुषों की बरसी में जाने पर उनके उपलक्ष में बनाया हुआ भोजन प्रसादस्तु प्रसन्नता वो प्रसाद जो है प्रसन्नता देने वाला होता है। अब आज बाबा जी के नाम को बाबा जी की ख्याति को हमारे रामनाथ जी ने पूर्ण रूपेण अग्रण किया है, आगे बढ़ाया है और शहर का पूर्ण सहयोग इनके साथ रहा। शहर का प्रत्येक व्यक्ति साधु समाज सब इनके कंधा लगा कर खड़ा हुआ है। और मैं तो यही कहता हूँ कि बाबा जी ने जो सोचा था, लोग कहते थे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज बाबा रामनाथ जी ने जो कर दिखाया है और जो देने में लेने में दान देने में और भोजन के बनवाने में जो भी सुंदरतम सुंदर भोजन बना करके बाबा जी को निवेदित किया, आने वाली जनता ने भोजन किया, सब वाह वाह कर रहा है। और प्रभु से निवेदन है कि ये दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करें, बाबा की बरसी अगले साल और धूमधाम से मनाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा को सही श्रद्धा तो यही है कि हम आएँ उनके इस पावन पर्व पर हाजिरी लगाएँ और उनके निमित्त बनाए हुए प्रसाद को ग्रहण करें और करने के बाद उनको नमन करके हम लोग यहाँ से खुशियाँ खाली झोली लेकर के आए तो झोलियाँ भर करके जाएं, यही बाबा की सिद्धि सफरे हैं। जो कि 300 साल से ज़्यादा पुराना है और यहाँ पे बाबा प्रेमनाथ जी की 20वीं बरसी है और बड़ी धूमधाम से अल्लाह साहब के साथ मनाई जाती है। बाहर से आए हुए साधुगण बड़ी दूर दूर से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भंडारे का आयोजन किया जाता है। हमारे गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि जो भी यहाँ भिखारी आता है उसको आशीर्वाद मिल जाता है, फतेह हो जाती है उसकी। और आज मेरे को भी बाबा जी के पास बचपन से लेकर अब तक सेवा ही करता आ रहा हूँ और इनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ। और बाबा जी की कृपा से जो बाबा रामनाथ जी बैठे हैं उनकी सीट पर वो भी उनके चर कमल द्वारा जो उनकी शिक्षा ली हुई है वैसे ही वो काम कर रहे हैं। साधु साधु महंत सभी उनको पुकारते हैं कि हाँ बाबा जी जो गद्दी पे बैठे हैं बहुत अच्छे बाबा जी। इस मौके पे बाबा अमरनाथ जी दे नाल शुक्लनाथ जी रोहतक वाले, विष्णुनाथ, बाबा चिंगाड़ी शाह, अयोध्या प्रसाद पांडे, पुजारी भवन, हरीश गोयल शिवसेना मैंबर, पुरुषोत्तम लाल गलीफा कांग्रेसी नेता, दविंदर जैन, मोहित जैन, प्रवीण कोहली, सुनील सीला, विशाल टंडा, कपिल बंसल, अनमोल गुप्ता, महंगा राम भी हाजिर सन। जगराओं तो कैमरामैन मोहित जैन के नाल दविंदर जैन, ब्यूरो रजय जैन की रिपोर्ट।